बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे, ऐसे ही है ना बेटा? जी बच्चों, हम काम कर रहे थे अपने लेसन साइंस के करिश्मे का, ठीक है। हमने अपना जो सबक, पहले हमने इसकी बुक रीडिंग की, अपना पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, रीडिंग की, उसमें से हमने वर्ड्स को हाईलाइट किया जो कि हमने अपनी इमला में यूज किया, और उसके साथ हमने ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व किया। लेकिन बच्चों, उसके साथ फिर हमने आगे अल्फाज बयानी भी किए, ठीक है। आज जो हम काम कर रहे हैं वो है जुमले बनाना। हाँ जी, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करूंगी, क्योंकि जुमले जो होते हैं ये क्रिएटिव राइटिंग होती है। इससे पहले मैंने आपको साइंस के ऊपर एक मजमून लिखने के लिए दिया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मुझे याद आ गया, जब हम बुक एक्सरसाइज कर रहे थे मैंने आपसे कहा था साइंस के करिश्मे में से, यानी कि साइंस की जदात में से जो आपकी फेवरेट चीज है उसके ऊपर आपने लिखना है ऐसे। ऐसे ही कुछ काम मैंने दिया था, याद आया आपको? मुझे भी याद आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था लूज शीट पे लिख के भेजिएगा, मैं पढ़ना चाहूंगी कि आपकी क्रिएटिव राइटिंग की स्किल कितनी है। ये हम किस लिए प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों? ये हम इसीलिए प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपको हम ग्रूम कर सके, आपको हम पॉलिश कर सके, आप किसी भी वर्ड का खुद से क्रिएटिव राइटिंग में कुछ भी कर सके। आपको अगर छोटा सा टॉपिक दिया जाए तो आप उसके ऊपर 3-4 पेजेस का ऐसे लिख दें। आपको अगर सेंटेंस मेकिंग आए तो बुक में से कोई भी लफ्ज उठाकर आपको दे दिया जाए। हम चाहें तो हम बुक एक्सरसाइज के सिर्फ पीछे वाले जो है अल्फाज जुमले कराएं और बस करें कि भाई इसी में से पेपर में दे देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम आपको बुक में से जुमले बनाना सिखाते हैं, बुक में से जुमले देते हैं, और अब ये भी हमारे चैप्टर के अंदर से ही है। लेकिन 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 मैं सिर्फ आपकी हेल्प करूंगी, जो मेरे पास जुमले आएंगे वो आपके अपने अल्फाज में बने होने चाहिए, ठीक है। आपने उन्हें खुद से बनाने हैं, और ठीक है थोड़ी बहुत हेल्प ले लिया करें, मम्मा की, बहन की, आपी की, किसी की थोड़ी बहुत हेल्प ले लिया करें, लेकिन बनाने जो है वो आपने खुद है बेटा। सेम टू सेम किसी का बताया हुआ सेंटेंस नहीं लिखना, ठीक है। उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके उसको थोड़ा सा घुमा, यानी कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। जब किसी दूसरे ने आपको बताया तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि इस बात का क्या मतलब है। अब आपने उसे जुमले में इस्तेमाल करना है तो बेहतर है कि वो जुमला आप खुद बनाएं, दूसरे से मत बनाएं, ठीक है जी। यही कामयाब लोगों की निशानियां होती हैं। अब मैं जरा अल्फाज नोट करें, पहले तो अपना पेज रेडी करें बच्चों। ये भी आपका रिटन वर्क है जी। हाँ जी, आप अपना पेज रेडी करें, ऊपर आप टॉपिक लिखें साइंस के करिश्मे, नीचे लिखें अल्फाज जुमले, फुल फ्लैज प्रेजेंटेशन के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ, नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा जी, कि इससे आपके मार्क्स कटेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब आप अपना पेज प्लान कीजिए, पेज रेडी कीजिए, और ऊपर लिखें अल्फाज जुमले जी। आपने सेंटर में लाइन लगा के जुमले नहीं बनाना है, जिस तरह हम प्रेजेंटेशन के साथ जुमले बनाते हैं आपने वैसे ही जुमले बनाने हैं। तो हमारा जो पहला लफ्ज है जिसका हमने जुमला बनाना है, चश्म पोशी करना, हाँ जी, टालना, नजरअंदाज करना, ठीक है। तो आप इसको सोचे, शाबाश। लेकिन चले थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर देती हूं जी। जो दुनिया में दूसरों के ऐप छुपाएगा, अल्लाह ताला क्यामत के दिन उसके ऐप की चश्मपोशी फरमाएगा जी। ये तो था मेरा जुमला, अब आपने अपना जुमला बनाना है, ठीक है। हां जी, नेक्स्ट करते हैं बेश बहा, कीमती। हाँ जी, बेश बहा का जुमला बनाइए, सोचे बच्चों, बेश बहा। हाँ जी बच्चों, सोचा, बेश बहा। चले मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूं। अल्लाह ताला ने इंसान को बेश बहा नेमतों से नवाजा है जी। नेक्स्ट है मरहूने मिन्नत जी, एहसान मंद, ममनून, मरहूने मिन्नत। बनाइए इसका सेंटेंस, मरहूने मिन्नत। हां जी, सोचें इसके बारे में, शाबाश।
हाँ जी, नहीं पता चला, चले मैं आपका आपकी हेल्प करती हूँ जी। इतने बड़े बड़े हवाई जहाज खला में उड़ते हुए जहाज, या ये खला में उड़ते हुए जहाज साइंस ही की मरहूने मिन्नत हैं, ठीक है। पैगाम रसानी, पैगाम रसानी यानी कि पैगाम पहुंचाने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती, पैगाम का जरिया, पैगाम पहुंचाने का जरिया। पहले वक्तों में लोग कबूतरों के जरिए पैगाम रसानी करते थे, फलाहो बहबूद, फलाहो बहबूद। बहुत सी अंजुमन, नहीं आप ये नहीं बताएंगे, आप ऐसे करें इसको कि इमरान खान ने आवाम के फलाहो बहबूद के लिए बहुत से मॉडल बाजार लगाने का फैसला किया, या लगवाने का फैसला किया, खुद थोड़ी लगाएगा, लगवाने का फैसला किया, ठीक है। तहकीक, तहकीक साइंसी तहकीक से ही कैंसर का कैंसर का इलाज दरियाफ्त हुआ जी। ये दोबारा रिवाइज हो गया, वह इसको आप स्किप कर दें। सरबस्ता राज, साइंसदानों ने शबो रोज मेहनत से, सरबस्ता मेहनत करके, शबो रोज मेहनत करके सरबस्ता राजों से पर्दा उठाया। हमारे साइंसदानों ने शबो रोज मेहनत करके सरबस्ता राजों से पर्दा उठाया। सरबस्ता राज होते हैं छुपे हुए राज, मादनियात। पाकिस्तान में बहुत सी मादनियात के जखायर दरियाफ्त हो चुके हैं। सनत व हरफत, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सनत व हरफत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, ठीक है। ये थे जनाब आपके जुमले, एक बार तो मैंने बना दिए हैं ताकि आप लोगों को थोड़े से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। लेकिन आप जो मेरे पास आने होंगे, आएंगे, वो आप लोगों के बने हुए होंगे, वो आपने खुद बना के मेरे पास भेज लिए, ठीक है बच्चों। चलें जी, ये अब आपका होमवर्क यही है, डायरी आपकी यही है, मेक सेंटेंसेस, अल्फाज जुमले बनाएं लूज शीट पर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।